ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज उत्तराखंड। कलियर विधानसभा स्थित ओम ग्रुप बायो कॉलेज में भाजपा की ओर से पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष OBC मोर्चा के नायब सिंह सैनी ने भाग लिया। मुख्य अतिथि ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार ने OBC समाज के लिए ऐतिहासिक कार्य किया है। भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक वर्ग को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि OBC समाज पूरी तरह भाजपा के साथ है और 2022 में एक बार फिर से उत्तराखंड में भाजपा की सरकार पहले से अधिक बहुमत के साथ लाने में समाज का योगदान महत्वपूर्ण होगा। क्लियर विधानसभा का पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन था और उसमें हमारे राज्यसभा के सांसद नरेश बंसल जी और हमारे OBC मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष राकेश गिरी जी और पार्टी के सभी OBC समाज के लोग, OBC वर्ग के हमारे पदाधिकारी, वो सारे के सारे इस कार्यक्रम के अंदर मौजूद थे। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने OBC समाज के लिए किया है, उनको बताने के लिए कि आज तक कांग्रेस पार्टी ने OBC समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। रैलियों के अंदर भीड़ आए उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने OBC समाज को उपयोग किया है, परंतु जब उनके हकों की बात आती थी कांग्रेस पार्टी ने उनको हक नहीं दिए हैं। पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी ने उनके हकों को देने का काम किया है पहली बार, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और वो OBC आयोग के लिए बिल लेकर के आए, कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया और क्योंकि लोकसभा के अंदर हमारा बहुमत था, लोकसभा में तो पास हो गया, परंतु जब वो राज्यसभा के अंदर गया तो राज्यसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी OBC के खिलाफ गई और वो बिल गिर गया। और फिर 2019 के अंदर जब हमारा दोबारा फिर देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को 203 सीटें दी दोबारा सत्ता में, पहले ही लोकसभा के सत्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर वो OBC आयोग बनाने का बिल लेकर के आए और वो फिर पास हुआ। राज्यसभा के अंदर भी हमारा बहुमत आया और वहाँ पर भी पास हो गया। आज OBC को जो हक दिया है, चाहे उनको 27% का पूरा आरक्षण देने का काम किया है, चाहे नौकरियों के अंदर 27% का पूरा लाभ देने का काम किया है, चाहे MBBS की सीटों में OBC समाज के बच्चों को 27% का आरक्षण मिला है, नीट की परीक्षा में OBC समाज के बच्चों को 27% का आरक्षण मिला है, चाहे सैनिक स्कूल के अंदर या केंद्रीय विद्यालय के अंदर या जो इन स्कूलों के अंदर जो 27% का आरक्षण है, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया और आज तक OBC समाज इनसे वंचित था। अब OBC समाज को जिस प्रकार से आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, पूरा का पूरा OBC समाज आज नरेंद्र मोदी जी को दोबारा फिर खुल करके समर्थन करेगा और कमल का फूल खिलाने का काम करेगा। सर ऐसा नहीं है, मिल करके हम ये पुरान क्लियर विधानसभा भी अब की बार जीतने का काम करेंगे यहाँ से। और मैं आपको बताना चाहूँगा, नरेंद्र मोदी जी ने सर्व समाज के लिए काम किए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने देश के 135 करोड़ लोगों के लिए, चाहे कोई भी योजना बनी है, योजना बना करके उन तक लाभ पहुँचाने का काम किया, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे उज्ज्वला योजना, चाहे जनधन खाते के माध्यम से लोगों को लाभ पहुँचा, आयुष्मान कार्ड योजना, और चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, उस योजना को लागू करके। ये है न्यूज नेटवर्क इंडिया और आप देख रहे हैं NN न्यूज उत्तराखंड।